गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ बुक का चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का 1.1 तक किए। आज हम लोग 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। आइए 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लेट अस जस्टिफाई एंड राइट वेदर द गिवन वैल्यूज आर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट हमारे पास दिया हुआ है तो बताना है ये रूट इन इक्वेशन का है या नहीं। इक्वेशन है हमारा, हमारे इक्वेशन क्या दिया हुआ आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिया हुआ है, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको हम लोग रूट यूज का दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है। रूट हमारे पास है वन एंड माइनस वन। आइए एक एक करके दोनों रूट चेक कर लेते हैं इक्वेशन का है। पहले वन को हम लोग पुट करते हैं, ये हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस वन, ये हो जाएगा थ्री। तो ये जो थ्री है इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा, राइट हैंड साइड से इक्वल नहीं हो रहा। फर्स्ट इसका रूट नहीं इसे प्रूव होता है, अगर ये रूट होता तो ये भी जीरो हो जाता। आइए माइनस वन पुट करके देखते हैं, माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन, ये हो जाएगा प्लस वन माइनस वन प्लस वन इक्वल टू टू माइनस वन वन, ये भी जीरो नहीं हो रहा है, आर एच एस के इक्वल नहीं हो रहा, तो ये भी इसका रूट नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन में भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है, रूट भी दिया हुआ है, आपको जस्टिफाई करना है ये उनका है या नहीं। ये जो रूट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ये इस इक्वेशन का है या नहीं, आइए चेक कर लेते हैं। एट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स इक्वल टू जीरो, ये है आपका इक्वेशन। रूट आपके पास क्या है, जीरो है माइनस टू, पहले जीरो को चेक करते हैं। एट इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस सेवन इंटू जीरो इक्वल टू, ये किसी जीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और जीरो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये जीरो आ रहा है, मतलब ये जो रूट है जस्टिफाई कर रहा है, ये रूट इसी इक्वेशन का है। माइनस टू को चेक करते हैं, एट इंटू माइनस टू का स्क्वायर सेवन इंटू माइनस टू, ये हो जाएगा एट इंटू फोर प्लस माइनस फोर्टीन, करेक्ट, थर्टी टू माइनस फोर्टीन इज एटीन, ये भी आपका इसका रूट नहीं है, ये आपका सिर्फ जीरो ही ऐसा है जो इस इक्वेशन में इसका रूट है, राइट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सी नंबर क्या कहता है, सी नंबर में भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आपको सिर्फ बताना है रूट को जस्टिफाई करके। आइए जस्टिफाई कर लेते हैं, सर ये है एक्स वन बाई एक्स इक्वल टू थर्टीन बाई सिक्स, ये तो आपका इक्वेशन है। रूट आपका रूट है एक फाइव बाई सिक्स है और दूसरा फोर बाई थ्री। पहले फाइव बाई सिक्स को हम लोग पुट करते हैं, फाइव बाई सिक्स प्लस वन बाई फाइव बाई सिक्स, इसको सॉल्व करेंगे, फाइव बाई सिक्स प्लस सिक्स बाई फाइव हो जाएगा, एलसीएम लेंगे थर्टी, ये ट्वेंटी फाइव प्लस ये थर्टी सिक्स सिक्सटी वन बाई थर्टी, इसको ऑप्शन प्लस फॉर्म में करने के बाद ये थर्टीन बाई सिक्स नहीं आ रहा है, मतलब ये जो है इसका रूट नहीं है। आइए फोर बाई थ्री को करते हैं, फोर बाई थ्री प्लस वन बाई फोर बाई थ्री, ये हो जाएगा फोर बाई थ्री प्लस थ्री बाई फोर, एलसीएम लीजिएगा ट्वेल्व आ जाएगा, ये सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेल्व, आप सिंपल फॉर्म में कीजिएगा फिर भी ये थर्टीन बाई सिक्स नहीं आने वाला है, ये भी इसका रूट नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन में क्या होता है, हमारा रूट क्या आता है, आइए फटाफट कर लेते हैं। इसमें भी आपका इक्वेशन दिया हुआ, क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। रूट आपका क्या क्या दिया हुआ, माइनस रूट थ्री एंड टू रूट थ्री, पहले हम लोग पुट करते हैं माइनस थ्री को, तो माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री माइनस सिक्स, ये हो जाएगा आपका थ्री माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, थ्री सिक्स माइनस सिक्स इज जीरो इक्वल टू देखिए आर एस एस होगा, ये रूट इसका है। दूसरा चेक कर लेते हैं, टू रूट थ्री का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, रूट थ्री इंटू थ्री इक्वल टू ट्वेल्व हो जाएगा, माइनस आपका रूट थ्री है इंटू टू रूट थ्री माइनस सिक्स, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस टू इंटू थ्री सिक्स माइनस सिक्स,
12 माइनस 12 इक्वल टू 0, ये भी इसका रूट है। बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।